अशोक गहलोत की अजब पुलिस का गजब कारनामा। 2 साल तक असली पुलिस के साथ ट्रेनिंग लेती रही नकली अफसर। वो रॉब दिखाती थी, लोगों को धमकाती थी, सोशल मीडिया पर जलवे दिखाती थी और राजस्थान की असली पुलिस को कुछ पता नहीं। एक धमकी ने खोल दी पोल, उड़ गए अधिकारियों के होश। ऐसे तो कोई भी आकर पुलिस के साथ रहकर कुछ भी कर लेगा। राजस्थान में अगर क्राइम बढ़ा है, अगर वहां की पुलिस महीनों तक अपराधियों को ढूंढ नहीं पाती है तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। जैसी सरकार वैसी पुलिस। ये वाला कारनामा सुनेंगे और कहानी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और राजस्थान पुलिस पर गुस्से से ज्यादा तरस आएगा। सोचिए, एक महिला वहां सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेती रही जिसने परीक्षा ही पास नहीं की थी, वो यहां तक कैसे पहुंची, इसकी कहानी भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन पहले जानिए कि राजस्थान पुलिस किस कदर नादान है। दरअसल राजस्थान पुलिस एकेडमी में असली चयनित सब इंस्पेक्टर के बैच 48 की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 से 4 सितंबर 2022 तक हुई। इसके बाद 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2023 तक फील्ड ट्रेनिंग हुई। ठीक इसी के आसपास स्पोर्ट्स कोटे के भी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन फर्जी मोना इतनी शातिर थी कि बाकी कैंडिडेट्स को गुमराह कर दोनों को अलग अलग जानकारियां देकर 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग लेती रही। हद तो तब हो गई जब आरपीए के किसी भी अधिकारी को मोना पर शक तक नहीं हुआ। मोना आरपीए ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग बैच के कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग करने के कंफ्यूजन का फायदा उठा धौंस जमाने लगे। कमाल की बात तो यह है कि मोना का जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती में चयन नहीं हुआ तो उसने दोबारा तैयारी करने के बजाय पूरे गाँव में अफवाह फैला दी कि वो पुलिस में भर्ती हो गई है। मोना के पिता एक ट्रक ड्राइवर है, वो ये जानकर बेहद खुश हुए कि बिटिया पुलिस बन गई है। वो रोजाना सोशल मीडिया पर फोटो डालती थी, वो नकली थानेदार होते हुए भी असली थानेदारों को धमका देती थी। सोचिए मोना के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन 2 साल के बाद अब जब उसकी हकीकत खुलकर सामने आई है तो वो भागी भागी फिर रही है। शास्त्री नगर थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि आरपीए के संचित निरीक्षक रमेश सिंह मीना ने बीते 29 सितंबर को मोना बुगालिया नाम की युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि मोना 11 सितंबर से 23 सितंबर तक सैंडविच कोर्स में फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर ट्रेनिंग करने आई थी। इसी आरोप में उस पर आईपीसी की धारा 419, 468, 469 व 66 डीआईटी एक्ट और धारा 61 राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि नागौर जिले के निम्बा के बास की रहने वाली मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। 3 साल पहले जब परिणाम आया तो मोना ने खुद के सब इंस्पेक्टर में चयनित होने की झूठी खबर गांव में फैलाई। अब देखिए कि मोना की पोल कैसे खुली। दरअसल एक दिन सब इंस्पेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी टॉपिक को लेकर चर्चा हुई, तभी मोना ने दूसरे सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवाने की धमकी दी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उच्च स्तर पर शिकायत की तो मोना के बारे में जांच पड़ताल हुई, लेकिन बैच में मोना का दूर दूर तक नाम नहीं था, जबकि वो थानेदार की वर्दी पर वीआईपी ट्रीटमेंट तक लेने लगी। यही नहीं, पूर्व डीजीपी से लेकर वर्तमान एडीजी क्राइम तक के साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुर्खियों में आ गई। लेकिन यही झूठी लाइमलाइट अब उसके लिए मुसीबत बन गई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।